तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत अलग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम एक इंसान की कारीगरी का एक नमूना देखने वाले हैं। ये पूरा ई रिक्शा आप ये देख रहे हैं, ये इसको ई रिक्शा कहूँ, जीप कहूँ, क्या कहूँ, मेरे को तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये हर चीज़ से बना है। टायर किसी और चीज़ के हैं, इसका शीशा किसी और चीज़ का है, ये किसी और चीज़ का है, आगे का बम्पर कहीं और का है। तो बेसिकली मैं इसको अगर बात करूँ तो एक करिश्मा कहूँगा मैं इसको, क्योंकि इस ये ई रिक्शा जीप ये गाड़ी मैं कहूँ तो इसमें सब कुछ है। मतलब आपको पीछे देखो, यहाँ पर अच्छी खासी स्पेस रखने की है, यहाँ पे डिज़ाइन के लिए ये लगा रखा है, अंदर बैटरी यही इलेक्ट्रिक से चलती है, सबसे बड़ी बात कि इलेक्ट्रिक से चलती है, इसमें पेट्रोल का कोई सीन ही नहीं है। तो यहाँ पे देखो हर चीज़, यहाँ पे देखो साइलेंसर लगा हुआ है, पर ये शो के पर्पज़ से है, शीशे लगे हुए हैं, पर्दे लगे हुए हैं, हर चीज़ इसमें बहुत ही अच्छे से करी गई है, अच्छे से बुनी गई है। इसके बारे में अब ज़्यादा जानकारी हमें है नहीं, क्योंकि एक करिश्मा है, तो करिश्मा जिसने किया है हम उससे आपको मिलवाना चाहेंगे। विशाल कश्यप इनका नाम है और इन्होंने ये करिश्मा किया है, तो इनसे हम जानते हैं कि इस करिश्मा को इन्होंने बनाने में क्या क्या किया है और क्या क्या करने में मत हुआ है। पिछले साल लॉकडाउन में काफ़ी साल खाली बैठने के बाद मैंने सोचा मैंने कहा कुछ नया करा जाए, यहाँ पे उसकी वजह से मैंने इस रिक्शे को, इसके बैटरी का, रिक्शे को तो कार का लुक देने की कोशिश की। यूट्यूब वगैरह वीडियो देखी थी मैंने, कहा हाँ ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, और ये गाड़ी बहुत पुरानी गाड़ी है जो लोगों को बहुत अच्छी लगती थी, पसंद आती थी, कभी गांव में पुलिस में लोग चलाते थे और हम यूपी के रहने वाले वहाँ बाकी लोगों में बहुत कम लोगों के पास ऐसी गाड़ी दिखती है। ऐसा लगता है कि महिंद्रा ने कोई छोटी गाड़ी मॉडल में निकाला हो, तो उनको महिंद्रा की गाड़ी को देख के मैंने इसका लुक बनाया था, बहुत बढ़िया है। इसका इंटीरियर भी मैंने बनाया हुआ है, सब इन्होंने खुद अपने, स्टीयरिंग है, हॉर्न है, लाइटिंग वगैरह सारी चीज़ इसमें है, बैक रिवर्स है, इंडिकेटर है, ब्रेक है, रेस है, इंटीरियर वगैरह ब्लैक ग्लास वगैरह रखने के लिए, और अपना वैसे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा सामान रखने के लिए, एक पर्सनल इसके अंदर डिग्गी भी है, जैसे अपना कीमती सामान जैसे पर्स वगैरह, फ़ोन वगैरह रखने के लिए, बाई चांस भूल जाते हैं। इसके बाद हैंडल वगैरह भी है इसको पकड़ने के लिए, जैसे बाई चांस कोई बैठता है, सीट बेल्ट भी लगी हुई है इसके अंदर, सीट बेल्ट भी लगी हुई है, सीट बेल्ट भी लगी हुई है, काफ़ी कम्फर्टेबल है, स्पेस भी इसका बहुत बढ़िया दे रखा है, कोई अपना छोटा मोटा लोकल के लिए बहुत बढ़िया स्पेस है, वन डोर है, देख के स्पेस कर सकते हो। ये फ्यूल टैंक सिर्फ और सिर्फ शौक के लिए लगाया हुआ है, इसका कोई काम नहीं है वैसे, ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है, इसमें फ्यूल का कोई मतलब नहीं है, इलेक्ट्रिक गाड़ी है भाई। इसके नीचे मैंने यहाँ पर बैटरियाँ लगा रखी हैं, ये देखिएगा थोड़ा सा, ये देखो यहाँ पर मैंने बैटरियाँ लगा रखी हैं, यहाँ पर बैटरी लगी हुई है, देखो दिख रहा है आपको, सारी बैटरियाँ लगी हुई हैं, ऊपर से बिल्कुल भी ऐसा लगता नहीं है कि ये एक बैटरी वाली इलेक्ट्रिक गाड़ी है, बिल्कुल बैटरी वाली लगती थी, फ्यूल टैंक लगा हुआ है, आगे साइलेंसर लगा हुआ है, तो बैटरी वाली तो कहीं से लगती थी। तो आप बताओगे कौन सी जगह से आपने क्या क्या स्क्रैप लिया है? ये जो आपका बोनट दिख रहा है ये होममेड है, इसके बाद में लाइटिंग वगैरह दिख रही है, जो ऑटो चलते हैं उसके बम्पर पे आगे पहिए के ऊपर लगी होती है, ऑटो का है ये, ऑटो थ्री व्हीलर, जो ऑटो थ्री व्हीलर जो लाइट है, ये ई रिक्शे की लाइटें हैं जो आगे इंडिकेटर वगैरह के लिए लगी होती हैं, और जो ये हमारा टायर है, ये छोटा हाथी जो चलता है एसीसी टाटा का, उसका ट्यूब है, और सोकर वगैरह मैंने इसमें उसके बाइक के लगा रखे हैं, कमानियाँ इसमें जो लगी हुई हैं ई रिक्शे की है, सोकर बाइक का है, कमानियाँ ई रिक्शा का है, डिस्क ब्रेक है इसमें बहुत बढ़िया, डिस्क ब्रेक है बताओ, ठीक है। और ये बम्पर, ये बम्पर एक मैंने मोल्डिंग मशीन से मुड़वा के और सिर्फ शौक के पर्पज़ पे लगाया हुआ है। अच्छा, ये इन्होंने खुद मैन्युफैक्चर बनाया हुआ है। ये गुटके एक जो महिंद्रा की थार आती थी हिसाब डाउन करने वाली है, उसके गुटके हैं, उसके गुटके महिंद्रा के गुटके हैं, खोल के नीचे रखा जा सकता है, गाड़ी की जो लुक है वो शीशा ये खुल सकता है, जैसे कि आपका महिंद्रा का खुल सकता है, बढ़िया है। इसकी मैं फोटो दे दूंगा आपको बीच में देने के लिए, जो शीशे लगे हुए हैं ये ओरिजिनल थार के शीशे हैं, जो पहले थार आती थी, थार जो ओरिजिनल थार की, और ये जो हुड है ये भी मैंने बनवाया हुआ है, और ये साइलेंसर है, एक शौक के पर्पज से थार का लगा हुआ है, थार का साइलेंसर है लगाया हुआ था, ये शीशे भी थार के हैं, शीशे भी थार के हैं, उसके हिसाब से मुख्य वगैरह पहले गाड़ियों में लगते थे वो लगे हुए, ये किसके हैं, ये आपने बनाए? ये नहीं, ये बने हुए आते हैं, जो थार वगैरह आते हैं उनमें ये मुख्य आते हैं, थार का ही है वो, थार का ये लुक देने के लिए, और ये जो होता है ये पैरदान है, थार का बना हुआ है, थार का मोटिफिकेशन करना रह गया है, ये इंटीरियर है ना जो इसका
ये मैंने लकड़ का खुद से बनवाया हुआ है। अच्छा। और ये पकड़ने के लिए है, कोई बंदा बैठता है पकड़ने के लिए, पकड़ने के लिए। सेफ्टी के साथ में सीट बेल्ट भी इसमें लगी हुई है, बहुत बढ़िया है। देखो ये देखो पूरी गाड़ी हिल रही है, लेकिन सस्पेंशन देखो कितना बढ़िया है। तो भैया बताइए कि आप चाहते क्या है इसका, क्या आप क्या इसका आगे मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, कंपनी को देने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? भैया ये तो मैंने एक पहले मेरे बहुत गांव में जीप थी, बहुत अच्छी ख्वाहिश थी एक जीप लूँ, फिर इलेक्ट्रिक जीप बनाने का, जो आजकल पेट्रोल जो आजकल के माहौल को देखते हुए पेट्रोल का नाम है, सीएनजी का दाम है बढ़ता जा रहा है, और लोग के पास गाड़ियाँ होने के बाद भी लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कर रहे हैं, पेट्रोल जा रहे हैं, पेट्रोल भरने की वजह के चक्कर में। और ये गाड़ी मैंने इसलिए बनाई थी, बैटरी गाड़ी है, कम स्पीड है, और जो जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं 40+ स्पीड के लिए, 40 से भी कम स्पीड है इसकी, नॉर्मल स्पीड है, 40 से भी जाना चाहता है तो अपना आराम से जा सकता है। और कहना बहुत बढ़िया है, सस्पेंशन भी बढ़िया है, गाड़ी बढ़िया है, इलेक्ट्रिक गाड़ी है, और गाड़ी को भी मैंने ये सब कुछ हाथ से बनाया हुआ है। इसमें देखो अब एक एक चीज़ इनके खुद के हाथ से बनी है, कहीं से इन्होंने बाहर का चीज़ मतलब चीज़ें ली ज़रूर है, लेकिन उसको डिफाइन करना कैसे, क्योंकि हम पे स्क्रैप चीज़ें बहुत सारी पड़ी होती हैं, लेकिन उसका यूज़ में रिसाइकल करना जो होता है वो एक आदमी का कारीगर का काम होता है, जो ये कारीगर हैं और इन्होंने ये काम किया है। और सीट बेल्ट भी इसकी पूरी, सीट बेल्ट भी देखो लगी हुई है यहाँ पर, लगा सकते हो, ये देखो सीट बेल्ट का भी इसकी पूरी है, और यहाँ पे देखो सीट बेल्ट का भी ऑप्शन दे रखा है, सारा ऑप्शन देखो, इस साइड भी सीट बेल्ट है, दोनों साइड सीट बेल्ट है, तो सब कुछ इसमें दे रखा है। और भाई इसका इस रिक्शा इस गाड़ी के आगे आप क्या चाहते हैं कि क्या हो इसके? मैं सर ये चाहता हूँ जो रिक्शे वगैरह आ रहे हैं उनमें थोड़ा सा पलटने की क्षमता और सस्पेंशन की, और वो बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, पलट जाते हैं, पलटने का क्षमता होती है, जैसे आजकल के रोड थोड़े से खराब खराब पड़ गई, पानी भर जाता है तो रिक्शे का पता नहीं लगता है, और रिक्शे पलट जाते हैं, उससे कभी चोट भी लग सकती है बंदे को, ज़्यादा चोट लग जाती है। ये गाड़ी ऐसी है कि अगर बाई चांस बाई मिस्टेक कभी खड्डे में जाती है तो बहुत ज़्यादा खड्डा होगा जब ही पलटेगी, चाहे आम गाड़ियाँ निकलने नहीं निकल सकती हैं वहाँ पर भी एक बार ही निकल जाती है ऑफ रोड के लिए भी, क्योंकि इसके टायर और जो नीचे का आगे वो बना रखा है वो काफ़ी ऊंचा है, ग्राउंड लेवल ग्राउंड की जमीन से काफ़ी ऊंचा है। जो अब गाड़ियाँ आ रही हैं लुक के तौर से आ रही हैं, उनमें काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जो नीचे की वजह से ना डिवाइडर वगैरह में लग जाती है। हाँ हाँ। और ये काफ़ी ऊंची है, ऊंची रोड पर भी आराम से चला सकते हो, बढ़िया जो थार बार जो आते हैं उनकी जैसे थार बार है ना, सेम उनकी तरह है, ऑफ रोडिंग बस, ऑफ रोडिंग के लिए, लेकिन ये इलेक्ट्रिक है बिल्कुल, ये इलेक्ट्रिक है बिल्कुल। मैं अभी जहाँ पे इनका दुकान है वहाँ से 2 किलोमीटर बैठ के आया हूँ और मेरे को बिल्कुल जर्क फील नहीं हुआ, मतलब गड्ढे भी बहुत आए हैं और सब कुछ बहुत आए, लेकिन जर्क के नाम पे मेरे को बिल्कुल कुछ फील नहीं हुआ, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये तो 1.5 लाख अगर इसका प्राइस लगते हैं तो मैं कंपनियों से गुजारिश करना चाहूँगा, इनको इनका कॉन्टैक्ट नंबर है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, इनसे कॉन्टैक्ट करो, और अगर आप चाहते हो कि ये रिक्शा आप ऐसे ही रिक्शा और आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। और भैया बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ऐसे ही हम ई रिक्शा और ऐसी गाड़ियों ऐसी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की वीडियो लाते रहते हैं, तो हमारे भारत मोल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब करें।